वेलकम बैक आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉड के टेन इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज का एक टेस्ट अटैम्प करेंगे साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करेंगे और आउट ऑफ टेन आपने कितना स्कोर किया मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे भी सो ऑल द बेस्ट रॉक द टेस्ट One of my pens missing from my pencil box. Options are is, are, has, have. So select your option and afterwards match your option with my option. I think you can do it easily. So simple. You have done. Now match your answer. One of my pens. It means. पेन में से एक पेन सिंगलर पेन की बात हो रही है मिसिंग फ्रॉम माय पेंसिल बॉक्स जब सिंगल पेन है इट मीन्स वर्ब भी सिंगल ही यूज़ होगी इट मीन्स ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों ही डिलीट हो जाते हैं एलिमिनेट कर दो नाउ टू ऑप्शन है रिमेनिंग इज एंड हैज़ भाई हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उधर देख सकते हैं मिसिंग है इट मीन्स ये भी डिलीट हो जाएगा सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन सेकेंड आयल एंड वाटर नॉट मिक्स ऑप्शंस आर डज डू इज आर सेलेक्ट योर ऑप्शन बी केयरफुल इट्स नॉट इजी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड नाउ योर आंसर राइट ऑप्शन इज आयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स जब दो सिंगल सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है और अगर दोनों जो हमारी नाउन है या सब्जेक्ट हैं अगर वो एक ही मीनिंग देते हैं तब वहाँ पर सिंगलर ब्रेड एंड बटर यहाँ पर होता तो ये सिंगलर वर्ब का यूज किया जाता सो आयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स स्लो एंड स्टडी विन द रेस विंस द रेस विनिंग द रेस हैज द रेस बचा पार्टी यस टर्टल समझते हैं ना धीरे और लगातार चलने वाले रेस को जीतते हैं ये तो एक प्रोवर्ब है आपको लर्न भी होगा बोलकर भी इसका आंसर मिल जाता है स्लो एंड स्टडी यस आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विंस और एक ही आइडिया दे रहे हैं स्लो एंड स्टडी ब्रेड एंड बटर सो विंस द रेस और आप भी ऐसे ही स्लो बट स्टडी रहना प्रैक्टिस करते रहो जीत आपकी होगी द मैनेजर एंड द डायरेक्टर बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन ऑप्शंस आर वॉज हैज हैव बी केयरफुल बहुत सिंसियरली अपना ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है द मैनेजर एंड द डायरेक्टर यस यू हैव सेलेक्टेड नाउ मैच योर आंसर द मैनेजर एंड द डायरेक्टर फोडियो कन्फर्मेशन हे आर आर टू पर्सन दो पर्सन हैं मैनेजर और डायरेक्टर अलग अलग अब इनके साथ में कौन सी वर्ब यूज़ करनी है बी सिंसियर यस दो हैं इट मीन्स क्या है कि प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा इज इट और हैव बीन इन्वाइटेड ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड बुलेट ऑप्शनस आर राइड राइड्स राइडिंग हैज़ राइड बी सिंसियर बहुत सिंसियरली बचा पार्टी प्लीज़ यू कैन डू इट बेस्ट ट्रिक का यूज़ करो अगर कहीं कन्फ्यूजन है वन बाय वन रोंग ऑप्शन को डिलीट करो देन यू विल गेट द राइट ऑप्शन जो ऑलरेडी मैं बताता हूँ आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड सो राइट ऑप्शन इज़ यस मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स राइड रायल एनफील्ड ऑप्शन ए बचा पार्टी जो भी आप ये बाइक चलाते हैं प्लीज़ स्पीड को कंट्रोल रखें बहुत फास्ट ना जाएं सेम एज टू गर्ल्स आल्सो प्लीज स्कूटी थोड़ा स्लो प्लीज़ ईच ऑफ द एप्पल्स जूसी ऑप्शन इज आर विल हैव येस ट्राई योर ऑप्शन एंड आई होप यू विल सेलेक्ट द राइट ऑप्शन यू हैव सेलेक्टेड नाउ मैचर आंसर सो राइट आंसर इज ईच ऑफ द एप्पल्स इज जूसी बिकॉज ईच इट मीन्स ओनली सिंगल वन और एक और यहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं जब कोई प्लुरल नाउन या एप्पल्स को देख सकते हैं प्लूरल है सिंगलर सब्जेक्ट के बीच आती है तब उसके साथ सिंगलर वर्ब का ही यूज किया जाता है वन मोर थिंग बच पार्टी, थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी बने फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन आ रहे हैं अपनी हेल्थ का भी केयर करना है सो टेक एन एप्पल अ डे एंड कीप्स द डॉक्टर अ वे माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई गोइंग टू एब्रोड ऑप्शन आर इज आर एम वॉज मोस्टली स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग कर देते हैं सो बी केयरफुल एक्सीडेंट ना हो जाए सेलेक्ट सिंसियरली रूल के अकॉर्डिंग एज वेल एज आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड नाउ मैच योर आंसर माय फ्रेंड्स एज वेल एज आई ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन आई आर गोइंग टू एब्रोड बचा पार्टी जब दो नाउन माय फ्रेंड्स है और बाद में एज वेल एज के आई आया है एज वेल एज से ज्वाइन होती हैं तब वर्ब जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा माई फ्रेंड्स वो है हमारा प्लूरल तो यहाँ प्लूरल ही वर्ब का यूज़ किया जाएगा आइदर दे और ही ए लाए ऑप्शन आर इज आर विल वर योर ऑप्शन कीप इन माइंड आइदर और नीदर नो रूल होता है रूल के अकॉर्डिंग ही अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है सो यस यू हैव सेलेक्टेड सो राइट ऑप्शन इज यस राइट ऑप्शन इज आइर दे और ही इज टेलिंग लाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बा पार्टी जब दो सब्जेक्ट आइदर और निधर नोर से ज्वाइन होते हैं तब जो वर्ब है जो सब्जेक्ट बिल्कुल नियर होता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है नो बडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड वर विल इज़ आर यस विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन चूज योर ऑप्शन आफ्टर वर्ड्स मैच फ्रॉम माई ऑप्शन I think you have selected. So right option is nobody is perfect in this world. यहाँ भी rule हमें learn करना है। Everybody, nobody, somebody, anybody, इनके साथ सिंगल वर्ब ही यूज की जाती है। Many a boy making a noise. Options are were, are, is, have. सो चूज़ योर ऑप्शन वाइजली थिंक बिफोर यू सेलेक्ट सो राइट ऑप्शन इज़ यस बचा पार्टी आई थिंक यू हैव सेलेक्टेड सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज़ मैनी ए बॉय इज मेकिंग ए नॉइज़ यहाँ भी एक रूल होता है जो आपको लर्न करना है मैनी ए के बाद नाउन और वर्ब सिंगलर ही यूज़ की जाती हैं जीतने के लिए रूल भी लर्न करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी होगी सो योर टेस्ट इज ओवर इफ़ यू हैव एनी डाउट Any complaint, any suggestion regarding today's class, then you can write in comment box. I am waiting for your response. And be ready for the next text of Determiners. Keep learning, keep practicing with early birds class. All the best for your first term examination. God bless you all.